नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। राधोगढ़ में सर्वे नंबर 168 पर हुए अवैध निर्माण का दुरुपयोग रोकने के लिए एवं निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा राधोगढ़ बंद रखा गया। इस दौरान राधोगढ़ नगर पूरी तरह बंद रहा। यहां तक कि चाय एवं नाश्ते के ठेले भी आज नहीं लगाए गए। हिंदू संगठनों द्वारा की जा रही हड़ताल प्रशासन के आश्वासन के बाद आखिरकार आज समाप्त हो गई। गौरतलब है कि हिंदू संगठनों द्वारा तहसील परिसर के समीप धरना देकर हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को लागू करने की मांग की गई। SDM को दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि उक्त निर्माण पूरी तरह से अवैध है और इस निर्माण का दुरुपयोग किया जा रहा है। वहीं हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद निर्माण को अभी तक नहीं तोड़ा गया, बल्कि उनकी दुकानों का उपयोग किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज राधोगढ़ बंद रखा गया, जो पूर्णतः सफल भी रहा। इसी को लेकर पटवाजी भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, जिनकी हड़ताल आज जूस पिलाकर समाप्त करवाई गई। मेरा निवेदन है, एक मिनट मेरी बात सुन ले, इसके बाद जो हिंदू बात मान लो। भैया एक मिनट, आपकी मांग जो है मेरी बात सुन लीजिए, फिर शासन खुद आके जहां आपको लिखित में देगा, आपके सामने बयान देगा। एक एक हिंदू भाई अपने और लोगों का इस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बाजार का बंद रखना, सब्जी वालों को दुकान न लगाना, चाय वालों को ठेले न लगाना, ये दर्शाता है कि रावगढ़ में हिंदू एकता कितनी मजबूत है। हिंदू एकता, हिंदू एकता, भारत माता की वंदे, वंदे, वंदे। अभी गुना से पधारे ADM महोदय, एडिशनल SP महोदय, SDM महोदय, SDOP महोदय, TI महोदय एवं तहसीलदार महोदय ने हमको हमारी मांगों के संबंध में विचार करने के लिए अंदर बुलाया था। भारत क्यों नहीं आए? आप ही उसके मालिक हैं और आपके संबंध में जो भी चर्चाएं हो रही हैं, हमें सहनशीलता गंभीरता का भी परिचय देना चाहिए। दोस्तों, हम कोई उठाई गिरा समाज के लोग नहीं है। और जो हमारा समाज है अखंड और विशाल समाज है, और मैं समस्त समाज से हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरकार से हमारे भाइयों की बैठकर चर्चा हुई है अधिकारियों से, उस संबंध में माननीय अनिमेशी आपको पढ़ के सुना रहे हैं, उस पर सबकी सहमति अगर है तो ठीक है, तो ही निर्णय माना जाए। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश के चलते म्याना में गिरा मकान। मानसून की मेहरबानी जिले भर में बनी हुई है, जिससे तालाब लबालब हो गए हैं। आरोन, राधोगढ़, बमोरी, बीनागंज और म्याना में भी जोरदार बारिश हो रही है। शहर भर में पानी रात भर से बरस रहा है, जिसके चलते कच्चा मकान गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। म्याना में बारिश के चलते अभी तक 4 से 5 मकान गिर गए हैं, जिनका सर्वे करने के लिए पटवारियों के पास समय ही नहीं। आलम यह है कि म्याना में कोई पटवारी बैठता ही नहीं। जब भी म्याना में पदस्थ पटवारी को फोन लगाओ तो वह हर काम के लिए गुनाही आने को कहता है। बता दें कि म्याना में पटवारी का पद इस समय कालूराम बंजारा के पास है, जिनके पास म्याना आने का समय ही नहीं होता। मीडिया की दखल के बाद आज पटवारी कालूराम बंजारा म्याना पहुंचे, जहां उन्होंने म्याना में गिरे हुए मकानों का पंचनामा बनाया। ये नाम अगर करो तो करो वो तो
मकान गिरा है साहब और चार बच्चे लोग हैं। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। नदी पार करने के दौरान युवक बहा। मकसूदनगढ़ में लगातार हो रही बारिश के चलते चंदेरी नदी उफान पर है। वहीं चंदेरी नदी पार करते समय कारेलाल सिलावट नामक युवक नदी में बह गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रशासन एवं युवक के परिजन मौके पर पहुंचकर युवक को तलाश कर रहे हैं। दरअसल मकसूदनगढ़ में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे आसपास की नदियां उफान पर है। वहीं चंदेरी नदी पार करते समय कारेलाल सिलावट नामक युवक नदी में बह गया, जिसकी तलाश प्रशासन और कारेलाल सिलावट के परिजनों द्वारा की जा रही है। अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है। रेडी हो जाए तो अच्छी है, बहुत अच्छी। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। दबंगों के शमशान घाट पर कब्जा कर लेने के चलते महिला के अंतिम संस्कार को किया गया रोड पर। यह सुनने में जितना कष्टप्रद लगता है, उससे भी ज्यादा दिक्कत इस गांव के लोग झेल रहे हैं। मामला है गुना के फतेहगढ़ थाना के अंतर्गत जैतपुर गांव का। इस गांव में एक महिला गुलाब बाई यादव, जिनका लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। वहीं जब उसके परिजन और ग्रामीणों ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे, तो संस्कार कराने की जगह न मिलने के चलते महिला का अंतिम संस्कार रोड पर ही करना पड़ा। गौरतलब है कि फतेहगढ़ थाना अंतर्गत आने वाले इस ग्राम जैतपुरा में कोई भी मुक्तिधाम नहीं है, न ही मुक्तिधाम सरपंच के द्वारा बनवाया गया। वहीं अभी तक जितने भी लोगों का दाह संस्कार किया जाता है, वह रोड किनारे बने एक नाले के नीचे करते हैं। इन दिनों बारिश के चलते नाले में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते वहां पर अंतिम संस्कार नहीं किया गया। वहीं जो पहले शमशान घाट हुआ करता था, उस पर ग्राम जोहरी के निवासी देवेंद्र धाकड़ ने अतिक्रमण कर रखा है। इस अतिक्रमण की सूचना कई बार आला अधिकारियों को ग्रामीण दे चुके हैं, बावजूद इसके देवेंद्र धाकड़ पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसका कारण है देवेंद्र धाकड़ की भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां। प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और देवेंद्र धाकड़ रसूखदार है, जिसकी पहुंच भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े बड़े कार्यकर्ताओं तक है, जिसके चलते ना तो पटवारी और ना ही तहसीलदार और ना ही सरपंच उस पर अतिक्रमण की जगह खाली करवा पाए। हम लोगों को यहाँ पे इतनी परेशानी भुगतना पड़ रहा है कि जेतपुरा के मुर्दों लोगों को रोड पे जलाया जा रहा है, ना कोई जलाने की जगह, जबकि नाले के नीचे मरगटशाला को बनाया जा रहा है और नाले में भरा हुआ पानी पूरी मरगटशाला में जाता है। असुविधा के कारण हम लोगों को रोड पे मुर्दों लोगों को जलाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे पूरी पब्लिक खड़ी है, जेतपुरा के लोग हैं, आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं। हमारे पास ये मामला किसी ने दोपहर में बताया था, बट इसका वीडियो हमने देखा नहीं। अभी आप ही लोगों ने हमें दिखाया है वीडियो, हमने देखा है मामला काफ़ी बुरा है। और ये जो आप अतिक्रमण की बात बता रहे हैं, इसकी पूरी जांच की जाएगी। जिनका भी अतिक्रमण है उसको ज़रूर एक हफ्ते में हम हटवा देंगे,
और जहाँ तक रहा सवाल शिकायत का, हमारे पास इससे पहले इसकी शिकायत नहीं आई है, हम पुनः एक बार दिखवा लेंगे कि अगर शिकायत की गई है तो कार्रवाई क्यों नहीं है इस पर। झागड़ से हमारे सहयोगी जालम करार की रिपोर्ट। चांचड़ों विधायक द्वारा मनाए गए रक्षाबंधन और भुजरिया पर्व। चांचड़ों में स्थित बड़े गणेश मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी चांचड़ों विधायक ने चांचड़ों क्षेत्र के समस्त भाइयों को राखी बांधकर मनाए रक्षाबंधन का त्यौहार। साथ ही सभी ने भुजरिया भी मिली। रक्षाबंधन का कार्यक्रम सुबह 12 बजे से प्रारंभ हुआ और देर रात्रि तक चलेगा, जिसमें सुबह से अभी तक लगभग 2000 भाइयों को राखी बांध चुकी हैं विधायक। वहीं कई लोग तो अपनी बारी आने का इंतजार भी करते देखे गए। इस मौके पर विधायक ममता मीना ने हमसे खास बातचीत की। आने वाले समय में पेड़ पौधे बहुत जरूरी है, तो पेड़ पौधे कम होने की वजह से बारिश कम होने को ये कारण है। इसके पेड़ का जन्मदिन है, जन्मदिन या कोई बड़ा त्यौहार हो तो ये जरूर मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगी। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की जो एक अटूट और एक मजबूत जो ये रिश्ता है, ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो आने वाले समय में जन्मों जन्मांतर भाई बहनों का ही पवित्र रिश्ता ऐसे चलता रहेगा। और इस रिश्ते में आज सभी भाइयों का बहुत विशेष स्नेह और प्रेम मेरे ऊपर है, बहुत अच्छा आशीर्वाद उनका मेरे ऊपर है। इसको देखते हुए मैं कहती हूँ कि इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी इन लोगों का जो कर्ज है मेरे ऊपर, जो स्नेह का इनका जो कर्ज है, मैं इस जन्म में क्या अगले जन्म में भी मेरा परिवार नहीं चुका सकता। चांचड़ा से हमारे संवाददाता शिवम नामदेव की रिपोर्ट। चांचड़ा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक का किया गया आयोजन। चांचड़ा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जिला बैठक का आयोजन एक निजी स्कूल में किया गया, जिसमें नवीन जिला अध्यक्ष अपनी जिले की टीम के साथ उपस्थित रहे। इसके बाद तमाम मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें प्रमुखता से फीस प्रतिपूर्ति और 5 सितंबर से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर चर्चा की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष और सभी स्कूलों के संचालकों की सहमति से प्रदेश अध्यक्ष अजीत सिंह के निर्देशानुसार 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पूरे प्रदेश के समस्त प्राइवेट स्कूल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला ने बताया कि सभी प्राइवेट स्कूल 5 तारीख से हड़ताल पर रहेंगे, लेकिन उन्होंने इससे बच्चों के भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कुछ भी नहीं बोला। हाँ, ये 25 तारीख वाला है, इसमें 25-8 श्रीमान महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा आप भले 10 साल पुराने हैं, लेकिन यदि आपके पास डीएड नहीं है तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि इनको निकाले। अप्रैल लास्ट है 19, ठीक है, आप इनको निकालिए। गलती मान लो कि गलती हो गई कुछ, लेकिन उसको तुरंत मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आगे की लड़ाई के बारे में चांचड़ा से हमारे संवाददाता शिवम नामदेव की रिपोर्ट। लवकुश जयंती के उपलक्ष में आज निकाला गया विशाल चल समारोह, जो शहर के मुख्य रास्तों से होता हुआ निकला। इस चल समारोह में कुशवा समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। साथ ही डीजे और बैंड बाजों की धुनों पर सभी नाचते हुए इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही इस यात्रा में भारत माता की झांकी भी निकाली गई। आ
इसी कड़ी में आरोन शहर में भी लवकुश जन्मोत्सव चल समारोह श्री राम जानकी मंदिर कुशवा समाज मठ मोहल्ला आरोन से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकला लगाया, जिसमें बाहर से आए अतिथियों द्वारा पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। कुशवा समाज ने एक भव्य रैली का आयोजन किया जो पूरे आरोन शहर से निकाली गई। लवकुश जन्मोत्सव का समापन श्री राम रघुवंशी धर्मशाला में महाआरती एवं भोजन प्रसाद पश्चात किया गया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्र सकवंशी की रिपोर्ट। केरल में आई प्राकृतिक आपदा के चलते गुना शहर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी चंदा इकट्ठा कर रही है। इस मौके पर विधायक पन्नालाल शाक्य ने खुद दुकानदारों के पास जाकर केरला में आई आपदा के बारे में लोगों को बताया और उनसे आग्रह किया कि सभी खुले दिल से बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जितना हो सके उतना दान दें और जो भी पैसा यहां से इकट्ठा किया जाएगा उसे मुख्यमंत्री बाढ़ सहायता कोष में जमा करवा कर कलेक्टर विजय दत्ता को सौंपा जाएगा। केरल में जो प्राकृतिक आपदा आई है माना बहुत अत्यस्त हो गया है। 16 जिलों में से 14 जिलों में भारी बारिश हुई है और जनधन की आ गई है। वहाँ के लोगों को संपर्क मिले, आधार मिले, इसलिए अपन बस्ती में निकल के बाजार में संग्रह कर रहे हैं। सारा धन संग्रह एकत्र करके साहू समाज की दो बेटियों ने बैडमिंटन में गोल्ड लाकर भारतीय टीम का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि राधोगढ़ में रहने वाली ऋषिका और हर्षिका दोनों बहनें हैं जो थाईलैंड में बैडमिंटन खेलने गई थीं, जहां उन्होंने अलग अलग देशों से आई टीमों से मुकाबला कर भारत के लिए गोल्ड जीता, जिनके वापस आने की खुशी में आज एक भव्य चल समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही इन दोनों बेटियों को पूरे साहू समाज में सम्मानित भी किया गया। इस तरह से भारत की इन बेटियों ने विश्व में अपना नाम रोशन किया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि बेटियां हैं तो कल है। Oh,
करना है। मेरा जो भाई बंधु जो खड़े हुए हैं वहाँ पर जगह हो रही है, पड़ गए पीछे वहाँ अपना स्थान ग्रहण कर लें सब लोग। आपने क्या खेल खेला आपने वहाँ पे? बैडमिंटन खेल। किस टीम से आपका मुकाबला? भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहाँ पर मतलब कहाँ कहाँ की ड्राइंग थी? कौन सी कौन? चाइना की, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। आपका किस टीम से मुकाबला था? मेरा चाइना, मलेशिया, श्रीलंका और फाइनल में थाईलैंड से। मेरा नाम पिछले साल हुआ है, मैं 7th क्लास में। कहाँ रहते हैं आप? मैं राव में रहती हूँ। क्या कहाँ पे खेलने गए थे आप लोग? खेलने गए थे वहाँ से, हम लोग गोल्ड मेडल लेके आए हैं। किस टीम से मुकाबला था? बांग्लादेश, पाकिस्तान और थाईलैंड से। आपका फाइनल किस टीम से हुआ? थाईलैंड। दोनों बेटियाँ थाईलैंड में खेल के आई हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उन्होंने अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का और अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। आज आपको हुआ अपने आप पे गर्व की बेटियाँ कुछ मतलब आगे बढ़ती हैं, गोदी में रखना रखती हैं? जी हाँ, कि कोई भी माँ बाप अगर अपनी बेटियों को आगे बढ़ाए तो बेटियाँ जरूर नाम रोशन देश का कर सकती। क्या नाम है आपका? विश्व गायत्री परिवार द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में विभिन्न शिक्षकों का सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ पर किया गया, जहां विभिन्न स्कूलों के कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद रहे। कक्षा पाँच में जिन लोगों ने स्थान प्राप्त किए हुए ब्रिटिश स्तर पे उनका सातवां पुरस्कार है कुमारी ललिता धाकड़। इसी क्रम में कॉलेज राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्थान की प्रादेशिक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन आज एक निजी होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में शैलेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर अभिलाषा सिंह राजपूत, अनिरुद्ध सेंगर, के पी रघुवंशी एवं शुक्ला ने मुख्य भूमिका निभाई। विकलांग व्यक्तियों में चीफ कमिश्नर डिसेबल पद कायम किया, जिनका यह कार्य है कि वे विकलांग व्यक्तियों को कार्य प्रदान करते हैं और यदि उनके कार्य में कोई असुविधा होती है तो उन्हें सीनियर अथॉरिटी की मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार नेशनल राष्ट्रीय संस्थान में राष्ट्रीय व्यक्ति भागीदार संस्था NITI देहरादून में है, अलीगढ़ समानवादी संस्था जो मुंबई में है, राष्ट्रीय अस्थिवादी विकलांग संस्था में रहने वाले ग्रामीण जी रहे हैं नरकीय जिंदगी। यहाँ ना तो कोई सुविधाएं हैं और ना ही कोई इनकी सुनता है। आलम यह है कि चुनाव के समय सभी इनके गांव में आकर कई तरह का आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। हम बात कर रहे हैं जिले मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर बसे रमगढ़ा की। यहाँ अभी तक कई जनप्रतिनिधि आए और उन्होंने इनकी दयनीय स्थिति पर अफसोस भी जाहिर किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसके चलते थक हारकर ग्रामीणों ने इस बार क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा करने की कोशिश की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद सिंधिया ने इन्हें एक माह का आश्वासन दिया कि एक माह के अंदर इनकी स्थिति काफी सुधर जाएगी। आपको बता दें कि सिलावटी, रमगढ़ाचक,
डांग के ग्रामीण सड़कों की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इन पांचों गांव के ग्रामीणों को कच्चे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। वहीं इस गांव में केवल पांचवीं तक ही कक्षाएं लगती हैं। वहीं इस गांव की स्थिति इतनी दयनीय है, यहां पांचवीं के बाद कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। वहीं ये गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी इंतजार कर रहा है, क्योंकि यहां पर कोई भी स्वास्थ्य केंद्र न होने से इमरजेंसी के मौके पर लोगों को गुनाना पड़ता है। इन सब मांगों को लेकर उन्होंने आज सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन सौंपा। उम्मीद जताई जा रही कि जो काम पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ वह अब एक माह में हो जाएगा। चल पा रहे ना कल रहे धूल खराब हो रहा समस्या का है। ये नालो निकलत नहीं बने और ये रोड डर जाए करत नहीं बने चौमासी स्कूल बन जाए लेटरिंग बन जाती है अस्पताल बन जाए एक आध थोड़ी बहुत। आपके गांव में मतलब शौचालय एक भी नहीं है? एक भी नहीं है। आप देख सकते हो कोई एक शौचालय नहीं है गाँव, सब गड्ढा डरी। जो धनी ने खोदी भी गड्ढा डरी, गड्ढा मुक्कर बंधवा दें। क्या समस्या है नाले की? जैसे अगर पानी हो जाता है फिर आप कैसे डूब करते हो पार? नहीं हो पार ज्यादा। जैसे कोई गांव में अगर आपका बीमार वगैरह होते हैं लोग, फिर उनको कैसे लेके जाते हैं? समस्या है आपके गांव की? आपकी समस्या है कि नाला चल जाता है तो क्या कोई मरीज रखा हुआ गवा पे उधर तो गुना लेके नहीं आ सकती है, और नदी ज्यादा चढ़ती है तो कोई ना निकल पाए न कोई साधन खड़ पाए। आवेदन दाए आपने इसको बनवाने? फिर बुला का आवेदन दिया साहब, कोई सुनवाई नहीं। कह देते हैं हो जाएगा होता कभी नहीं। और आपके यहाँ मतलब छोटा वो बने नहीं बने छोटा वगैरह? नहीं बने। गाँव में बोले नहीं है साहब, यहाँ तो मरो रखो ना आदमी नहीं पाए। और आज की शिकायत थी धरनावदा पुलिस की बड़ी कार्रवाई के चलते बिजली के खम्भों से चोरी हुई एल्युमिनियम की तार बरामद कर ली गई। जिस व्यक्ति के पास से ये तार बरामद की गई वह खुद को क्राइम एक्सपोजर न्यूज का पत्रकार बताता था। वहीं उसके पास से उक्त न्यूज चैनल की आईडी भी बरामद की गई। काफी लंबे समय से धरनावदा पुलिस को विद्युत तारों की चोरी की सूचना मिल रही थी। इसके चलते कार्रवाई करते हुए धरनावदा थाना प्रभारी नीरज बिरथने ने आज एक इंडिगो कार में रखे 1250 मीटर विद्युत तार जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद किया। उक्त कार को क्राइम एक्सपोजर न्यूज का रिपोर्टर चला रहा था। वहीं पुलिस के पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने दो और आरोपियों के नाम लिए जो कि मौके से फरार हो गए थे।
हरियाणा न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।